second. I'll pursue that. तेलंगाना सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड़ियम सिरेन जो कल बयान दिया गया एससी कैटेगराइजेशन के बारे में प्रधानमंत्री को हम अगर सही भी एससी वेलफेयर के बारे में ये सरकार को थोड़ा भी अगर इंसाफ करना अगर चाहता तो पहले आप तेलंगाना राज्य बनते ही सबसे पहला सीएम तेलंगाना का दलित बनाएंगे बोले, झूठा वादा करके दलितों का वोट हासिल करके इस तरह दलितों को धोखा दिया गया। दलित समाज पूरा उनको जानकारी, इसके अलावा 3 एकड़ जमीन दलितों के लिए जो वादा किए थे वो भी आज पूरा भूल गए। उसके अलावा एससी एसटी सप्लाई का जो एक्ट बनाया गया जब आंध्र प्रदेश सरकार के वाइस राइटर से ऊपर में थे, पर कम से कम आज वो एक्ट को रूल्स फ्रेम करके जो भी मिनिस्ट्री हो अपने आज पॉपुलेशन के आधार उसी तरह बजट को खर्च करना। मत 3.5 साल हो गया आप एससी एसटी सप्लाई को आज कम से कम रूल्स फ्रेम करके उनको इंसाफ दिलाने का पूरा मन है। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं निर्णय में किस तरह दलित लोगों के बारे में गलत केस बनाकर उसे जेल जाए। आज मंदा कृष्णा मानेगा जो एससी कैटेगराइजेशन के बारे में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको अरेस्ट करके जेल में भेजाना, हम तो तेलंगाना के स्टेशन में पैसा नहीं देंगे। उस आंध्र प्रदेश सरकार तक भी कोई साहस नहीं किया, बहुत सारे प्रोग्राम किए, रेल रोक करे, रास्ता रोक करे, या मंटा वाली जहाँ भी इतने बड़ी पैमाने से प्रोग्राम बनाने के बाद उस दिन आपको जानकारी होना चाहिए हैंग वन में किस तरह उस दिन हंगामा, फिर भी एक आदमी के ऊपर भी उस दिन केस नहीं लगा। और आज मंदा कृष्णा मानेगा जो अगर अपने डिमांडों के खातिर दबाव डालने के लिए प्रोग्राम बनाए तो उसको अरेस्ट करके जेल में भी जाना। आज तेलंगाना के अंदर किस तरह राज चल रहा है और बार बार ये मस्जिद के बारे में ये तारीफ करते हैं, मस्जिद टीआरएस की तारीफ करते हैं, टीआरएस मस्जिद की तारीफ करते हैं, भाई पूछना चाहते हैं मस्जिद कहाँ से है। सख्त तेलंगाना के खिलाफ था पार्टी, आज आपको मस्जिद नजदीक हो गया और ये बात बोलते हैं मस्जिद हम टीआरएस दोनों मिलकर आने वाले चुनाव में लड़ने वाले। मैं पूछना था मस्जिद आज तेलंगाना के अंदर पुराने शहर के अंदर काउंसिल से लेकर एमपी तक कई सालों से जीतते आ रहे हैं, क्या तरक्की किया गया पुराने शहर में? मेट्रो रेल तक आज पुराने शहर के अंदर आने के लिए आज सख्त जो खिलाफ करने वाले मस्जिद को आप समर्थन देके क्या संकेत देना चाह रहे हो? इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में टीआरएस के खिलाफ और जो रवैया कांग्रेस अपनाकर लोगों को गुमराह करके धोखा दिया गया उसी रास्ते में आप भी चल रहे, इसीलिए आपको भी हम सबक सेना के लिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में बड़ी पैमाने से हम आंदोलन छेड़ेंगे और जो भी वक्तव्य आपने निश्चित किया हम उसको खंडन करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी इसी कैटेगराइजेशन के लिए हम आज भी हम तैयार हैं और नेशनल लेवल पे हमारी सरकार भी तैयार है, मगर आपका जिम्मेदारी बाकी नेशनल पार्टियों को भी इसमें शामिल करने के लिए उसका विश्वास प्राप्त करने के लिए जिस तरह अगर पार्लियामेंट में अगर बिल आए समय पे बाकी नेशनल पार्टी का अपना रवैया साफ करने के लिए सरकार को उस तरह वो आगे आना चाहिए, वो अपनाना चाहिए। यही बात उनसे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी को पुराना शहर से लेकर पूरा तेलंगाना के अंदर
जो गरीबी है गरीबों को साथ में लेकर जरूर टीआरएस के खिलाफ आंदोलन चलेंगे और लोगों का हम मन जीतेंगे।